जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब्स फॉर यू में। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एनटीए की तरफ से, यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी की तरफ से। नेशनल टेस्ट एजेंसी ने जो जेई मेन का रिजल्ट था वो जारी कर दिया है। कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना होगा जेई मेन का, इसकी पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप करके देने वाला हूँ। जो सेशन 4 का था मई का, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना होगा और कहाँ से चेक करना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। दोस्तों इसका रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को गूगल सर्च बार पर आ जाना होगा और यहाँ पर आकर आपको सर्च कर लेना होगा ऑल जॉब्स फॉर यू। जैसे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ऑल जॉब्स फॉर यू लिख कर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप इस जो ऑल जॉब्स फॉर यू डॉट कॉम के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। मैं इस पेज का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस पेज पर आने के बाद आपको आ जाना होगा। नीचे नीचे आने के बाद यहाँ पर एनटीए जेई मेन रिजल्ट 2021 देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके शॉर्ट नोटिस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको आ जाना होगा। नीचे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका जो रिजल्ट है आ गया है, अवेलेबल हो गया है। और यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक में आपको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट के आगे क्लिक हेयर का ऑप्शन। सिंपली आपको क्लिक हेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर मई सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद नीचे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, ये जो कैप्चा है यहाँ फिल करके सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं जो रिजल्ट है आपको आपका डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया वैसे अपना फिल कर लिया, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैंने फिल कर लिया, कैप्चा फिल कर लिया। सिंपली मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा मेरे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। प्रिंट का ऑप्शन मुझे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर एनटीए देखने को मिल जाएगा। जे मेन का ये फ्रेंड्स आपका स्कोर कार्ड है, जैसे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर चेक कर पाएंगे। ये सब मैं हाइड कर लूँ अपने सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेशन 1 रोल नंबर, ये नहीं है सेशन 2, सेशन 4 यहाँ पे रोल नंबर दे रखा है। और नीचे आने के बाद पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका रैंक लिस्ट देख पाएंगे। यहाँ से आप अपना रैंक लिस्ट जो आपका रहने वाला है WS जनरल कैटेगरी का ये रहने वाला ये है। कट ऑफ आप यहाँ से अपना चेक कर पाएंगे ये सब। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे OBC का है देख पाएंगे, यहाँ पे CRL का है, EWS जनरल का है, OBC नॉन क्रिमिलियर का, SC ST का है, PWD का है। तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही आकर के आपको अपना रिजल्ट चेक करना होगा। और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप आज का डेट 15/9/2021 भी देखने को मिल जाएगा। मैं हाइड कर लूँ अपने सिक्योरिटी के लिए। तो चलिए यही बताता हूं आपको इस वीडियो के सलाह में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इसके अलावा आपको मन में कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं आप सभी की रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा।